जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो वज्रायारम नमो लोये सर्वसाबुन नमि उन्जिनं वीरं अनंतवर्णानदं संसहावं बोच्छामिनियं सालं केवलि सुद केवलि दो कलश हैं, लेकिन दोनों कलश समझाने के लिए हमें पिछली गाथा की टीका ही फिर पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दो कलश उन्हीं के सपोर्ट में लिखी गई। तो इन कलश को अपन पहले देख लेते हैं और फिर अगली गाथा लेंगे। ये जो पहले दो लाइन पढ़ी थी अपने, दो लाइन गति इंद्रिय काय, इसकी चर्चा पूरे जीवन होने लायक है। इतने एंगल हैं इसमें, इतने एंगल हैं, पूछो नहीं। एक तरफ से देखा जाए तो ये अधिभाव है, यहां इनको अधिभाव से भिन्न भी है कुछ। भिन्न क्या है? खोजने का स्थान। सिद्ध दशा अधिभाव नहीं है, लेकिन सिद्ध दशा से भी जीव को खोजा जाता है, भाई इतना फर्क है। लेकिन कुछ औधिक भाव की चर्चा औधिक भाव के इंगल से लेना है इसमें से, लेकिन मैं पहले से पढ़ाता हूं। सिलोकार देखिए, मन पेज नंबर 89। चेत शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़ गया। अन्य सकल भाव मैंने वही जो पिछले लिस्ट आ गए, कुल योनि मार्गनासान गुणासान जो आ गए वो सब मूल से छोड़कर और चित्त शक्ति मात्र ऐसे निज आत्मा का अति स्फुट माने स्पष्ट प्रकट अवगाहन करके माने जान के। एक तो था पानी में अवगाहन करना, डूबना, लेकिन अवगाहन माने जान के, मैंने तुम्हारा ज्ञान ज्ञायक में डूब जाए। ज्ञान ज्ञायक को ऐसे जाने कि ज्ञान और ज्ञायक में भेद दिखाई ना दे आपको। आत्मा समस्त विश्व के ऊपर प्रवर्तमान, आत्मा समस्त विश्व के ऊपर प्रवर्तमान, भाव समझ में, विश्व के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर प्रवर्तमान। प्रवर्तमान माने प्रकृष्ट रूप से वर्तमान, भूत भविष्य की बात नहीं है, अब भी वर्तमान की बात है। मतलब हम ये कहना चाह रहे, तुम अभी तैर रहे हो, अभी अनटच हो, जिस समय मोह है उसी समय तुम मोह से ऊपर हो। एक लीटर तेल डाल दो पानी में, क्या हो जाएगा? क्या होगा बता? ऊपर, विश्व के ऊपर। नीचे पानी है, नीचे मोहराग देश है, नीचे कसा है, नीचे मारना है। यहां से देखो, अभी तुम क्या से देखते पता है? आत्मा बेचारा क्रोध में डूबा, हम तो ये क्रोध से भरे हुए, हमें क्रोध ही क्रोध भरा है, मोह भरा है, राग भरा है, द्वेष भरा है। मैंने तुम भरा हुआ अनुभव कर रहे, यहां ये कह रहे हैं ऊपर तैर रहा है। प्रवर्तमान सुनेंगे, प्रकृष्ट वर्तमान, मैंने वर्तमान में ही नहीं छुआ। प्रवर्तमान का मीनिंग क्या लेंगे? वर्तमान में भगवान आत्मा ने राग आदि को छुआ ही नहीं है। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत से सरल हो जाएगा, थोड़ा इस तरह जगह जा रहा है। अच्छा, उठ की तरह से बैठ, बस बस इसी बैठ रहे। हाँ जी, प्रवर्तमान दृष्टांत दे, ध्यान से सुने दृष्टांत। टेलीविजन में इतने दृश्य आ रहे हैं, लेकिन टेलीविजन बिल्कुल प्रवर्तमान है,
उन सारे दृश्यों पर तैर रहा है। जैसे आग का दृश्य है तो स्किन कितने परसेंट जल जाती है बता? टेलीविजन में अग्नि का दृश्य आ रहा है, आग, अग्निकांड, बम विस्फोट, तो स्क्रीन कितनी जल जाती है? बताओ टेलीविजन की स्क्रीन कितनी बार नष्ट हो जाती है, कितने परसेंट नष्ट हो जाती है बोलो? बिल्कुल थोड़ी बहुत बाढ़ आ जाती है, तो टेलीविजन कितनी बाढ़ आ जाती है? जी प्रवर्तमान अभी तुम्हें आज मतलब प्रवचन सुन रहे हो, घर जाकर गुस्सा आया, भयंकर गुस्सा, भयंकर, तो तुम्हें कैसा लगता है यार बेकार ऐसा प्रवचन सुनना, काय का सत्यनाशी आत्मा, इतनी तो गुस्सा आ रही है। हम ही कह रहे हैं गुस्सा के ऊपर प्रवर्तमान, तुम गुस्सा देख करके आत्मा छोड़ देते हो, हम कह रहे हो गुस्सा के ऊपर प्रवर्तमान। हा हा कसाय के ऊपर तैर रहा है, तुम कसाय देख के दुखी हो, पंडित जी क्या बताएं, बहुत गंदे भाव आते हैं, बहुत गंदे, मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं कल्याण नहीं कर सकता। हम कह रहे हो तेरा भगवान अभी प्रवर्तमान है, सारे विश्व के ऊपर तैरता हुआ, देखो भाषा देखो, सारा विश्व के ऊपर तैरता हुआ, अरे ये देखो ऊपर आया कलश में आया कलश, हाँ इम ऊपरी तरंता, इम ऊपरी तरंत चरंतम, साक्षात विश्व के ऊपर तीसरी लाइन है ऊपर कलश की, इम ऊपरी चरंतम, ऊपर ऊपर तैरता है। सुनो उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये तो बताया था ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव, ये ध्रुव है ना, ये उत्पाद व्यय के ऊपर तैरता है। हम इसका अनुभव नहीं करा रहे, मोह का, राग का, द्वेष का, क्लेश का, केवल ज्ञान का, हम इसका अनुभव नहीं करा रहे, हम कह रहे हैं इसका अनुभव करो। इसका पहले दृष्टांत दिया था, हार में हथौड़ा मारने पर भी सोने का क्या करेगा बोलो? हम तुम्हें एक किलो हार, एक किलो सोने का हार दें तो लोगे कि नहीं लोगे? ले लोगे पक्का। अब एक किलो सोने के हार को हम तोड़ तोड़ के दें, टुकड़ा कर कर दें, दे रहे फ्री में, तो तुम रो के लोगे कि हंस के लोगे कि लोगे ही नहीं? अभी क्यों हंसे? पूछने से क्यों हंसे? पूछ लो बात कर फ्री में एक किलो सोना मिल रहा है ये किलो सोने के हार ही तो टूटे हैं, सोना तो नहीं टूटा, ये तुम टूटे टाटे हार बेचने जाओगे एक किलो तो नहीं बिकेंगे? क्यों बिक जाएंगे? टूटे हार से जी ये ऊपर ही तरंता, वो सोना टूटे हुए हार के ऊपर तैरता है, उस टूटे हुए हार को अग्नि में डाल दिया और गर्मा गर्म पिघल गया, पिघल जाता है, देखा कभी नहीं देखा, पिघल जाता है, उस पिघले हुए, अब वो पिघला हुआ दे एक किलो, एक तपेली भर के तो लोगे कि नहीं लोगे? क्यों ले लोगे जी? इसका नाम है ऊपर ही तरंता, हमें उबलता हुआ भी भिन्न दिखाई दे रहा है, उष्णता भिन्न है, सोना भिन्न है, ऐसी कसाय भिन्न है, भगवान भिन्न है, ऊपरी तरंता पर इस साक्षात स्पष्ट तैरता है। वेद के परिणाम एक तरफ दिखाई देते, वेद आने से वेद का वेद का परिणाम एक तरफ है, ऊपर भगवान तैरता हुआ दिखाई देता है। अब जो अज्ञानी होते ना, अज्ञानी एक बार होता पंडित जी, हम तो चलो अज्ञानी हैं, पहले गुण स्थान भरती है, मिथ्या दृष्टि ज्ञान आदि के पापी हैं, लेकिन ये तीर्थंकर तो उसी भव से मोक्ष जाते हैं, इन्हें तो शादी नहीं करना चाहिए। अजय अज्ञानी कह रहे हैं अज्ञानी, क्यों? उसे ये नहीं पता कि वेद के परिणाम से ऊपर ऊपर तैरता हुआ भगवान है। क्यों तीर्थंकर में शादी करनी चाहिए? अब इसे समझ लिया बहुत गंदा है वो, शादी गंदी नहीं है, वेद के परिणाम गंदे नहीं है, वेद का परिणाम प्रकृति का सत्य है,
प्राकृतिक सत्य है, तुम उसे सही नहीं समझते इसलिए गलत समझती हो। 19वीं संकरों ने शादी क्यों की अलिप्त रहते हुए भी? कैसे परिणाम होते हैं वेदों वेद की, कैसे परिणाम के बीच में भी भगवान पूज्य है, इसका नाम है उपरितरणता। अब तुम परिणाम देखोगे तो दुखी होगे और ऊपर तैरता हुआ देखोगे तो मजा आ जाएगा। पसंद नहीं आ जान देव, आ जान देव, आ जान देव, आ स्त्री भेद का उदय हो तो पुरुष में के रम के भाव आते हैं, पुरुष भेद का उदय हो तो स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन होता है, ऐसा होने पर भी वो तैरता है, छूता नहीं है, चिंता की बात नहीं है। हम क्या समझते हैं ऐसे परिणाम ही नहीं आएंगे तब ब्रह्मचर्य हुआ, नहीं नहीं ऐसे परिणाम के काल में ब्रह्मचर्य है, उल्टा नहीं ग्रहण करना। क्यों? उसे भिन्न दिखाई दे रहा है। क्रोध कैसा लगता है? बेकार लगता है। तो तुम घर छोड़ दो, फिर मम्मी गुस्सा करती है, पापा गुस्सा करते हैं, दादी दादा गुस्सा करते हैं, सब गुस्सा करते हैं, घर छोड़ दो। क्यों क्यों नहीं छोड़ते? क्यों? क्रोध बुरा है लेकिन मम्मी अच्छी है। दुनिया में कोई मुझे शरण नहीं देगा, मेरी मां मेरी गलती को गुस्सा करेगी तो भी छाती से लगाएगी, मेरे पिताजी लाखों का नुकसान कर दो आप तो ही पिताजी डांटेंगे गुस्सा करेंगे, लेकिन आखिरकार कोई बात नहीं बैठो सुनो, माता पिता की सेवा क्षमा करने वाला भी इसमें कोई नहीं, क्रोध तो सारा जगत ही करेगा लेकिन क्षमा कोई नहीं करेगा। अब बोलो मम्मी पापा की क्षमा क्रोध के ऊपर ऊपर तैरती है। क्या कहा? माता पिता की क्षमा। और क्रोध सबको दिख जाता है और क्षमा नहीं दिखती, यहां पर मोहरारती सबको दिख जाती है वो तो भगवान आत्मा पारणा नहीं भाव, समझिए वो भगवान आत्मा ज्ञायक वो ऊपर ऊपर तैरता है वो किसी को। तुम गंदे बच्चे हो कि अच्छे बच्चे हो? अच्छे हो, समय दृष्टि हो गए? क्यों क्या बात है, अच्छे हो ना आप तो? बोले बोलो नहीं तो क्यों नहीं हो समय दृष्टि? कि तुम जिसे देख रहे हो वहां से समय दर्शन नहीं होता, जो कमियां हैं औदिक भाव है, लड़का है, गुस्सा है, खाना पीना है, मोह राग द्वेष है, इसकी लिस्ट है 14 की, लेसिया है। अब लेसिया की थोड़ी चर्चा करें, थोड़ी ज्यादा नहीं कर, परिवार से नहीं बताएंगे। कृष्ण लेसिया के परिणाम जानते हो कैसे होते हैं? सबसे खतरनाक कृष्ण लेसिया की पहचान है, मर जाएगा और मार डालेगा। आवाज समझ पड़ी? मरता है और मार डालता है, ये सबसे खतरनाक परिणाम है कृष्ण लेसिया का, न जिएगा न जीने देगा। समझ गए? देखिए तुमने ऐसे लोग कृष्ण लेसिया वाले कौन होता है? टेररिस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा टेररिस्ट। और तुम्हारे मेरठ में नहीं है कोई? नहीं कोई मेरठ में? मेरठ में कोई नहीं? क्या नाम? रोहित है कि मोहित? क्या नाम? रोहित। बताओ दुनिया में है कि नहीं कोई? तुम्हारे जीवन में कोई है कि नहीं? कोई नहीं। अब हम बता रहे जो इतनी तीव्र क्रोध करते हैं, मर जाएंगे लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे, भले ही मुझे जेल हो जाए लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। जी जी परिणाम है, परिणाम कृष्ण सही हो। अखबार पढ़ते हो? साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ ही नहीं वही तो दो ही मर गए। कितना पक्का प्रेम बारे ढोर। कितना पक्का प्रेम, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मम्मी पापा रेडी नहीं हुए तो दो ही मर गए, फांसी पे टंग गए। जे कृष्ण लेसिया पहले इतना चलन नहीं देखा था, अभी साल दो साल में अपने परिवार में 5 जने हैं, 3 बच्चे हैं, पति पत्नी है, सो उसने बच्चों को जहर दे दिया, बच्चों को कुएं पटक दिया, पत्नी को मार डाला, खुद फांसी में टंग गए। जी कृष्ण लेसिया जीता भी नहीं है और जीने भी नहीं देता, समझे? इतना खतरनाक परिणाम बता रहे हम कृष्ण लेसिया,
अब बता पंडित जी, इतना खराब परिणाम आ जाए तो सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो कि तुम कृष्ण लीला को देखोगे तो नहीं होगा। उस समय भी तेरा भगवान ऊपर तैरता है, उस समय भी जैसे कृष्ण लीला के परिणाम में भी तेरा भगवान माने तुम, तेरा भगवान मतलब तुम ऊपर ऊपर तैरते हो। अब जैसे तुम्हें दिखाई देगा ऊपर ऊपर तैरता है, बस आनंद हो जाएगा। अरे भाषण अरे अब बता, वैसे में आनंद क्यों नहीं आएगा, समय दर्शन क्यों नहीं होगा? और तुम ऐसे दुखी रहते क्या बताएं पंडित जी, कल भी बहुत परिणाम खराब हुए। तुम उधर देख रहे, ऊपर देखो, ऊपर तरन तक कितना बढ़िया। जिस शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर जिस शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को, सकल भाव मतलब अर्थात क्रोध का परिणाम जिस शक्ति से रहित है, मान का परिणाम जिस शक्ति से रहित है, लेसिया का परिणाम जिस शक्ति से रहित है। थोड़ा अच्छे खोल के कहो, क्रोध अपने को भी नहीं जानता कि मैं क्रोध हूं, वो क्रोध ये भी नहीं जानता मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूं। नाम सुना है तुमने अंधा क्रोध, क्रोधांध व्यक्ति, क्या बताएं पंडित जी, क्रोध में ऐसे अंधे हो जाते कुछ सूझता ही नहीं है। तुम्हें सूझता है क्रोध में कुछ? तुमने कुछ काम किया ऐसे क्रोध में जो सूझे ही नहीं? हाँ गुस्सा में काम क्या कीजिए पूछ रहे, क्रोध में क्या किया जैसे फिर बाद में पछताते अपन, अरे यार अगर ही काम नहीं करती। क्रोध में अंधा व्यक्ति वस्तु में फेंक देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, अपने से पीट लेता है, लो मर जा रहे लिए कहां करें जा घर में, सीना पीट लेता है, सिर पीट लेता है, आत्महत्या कर लेता है। क्रोध में अंधा व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहता। क्योंकि क्रोध जिस शक्ति रहित है, क्रोध जिस शक्ति से रहित है। अब इतना गंदा क्रोध देख करके तुम सम्यक दर्शन नहीं करते, हम ही कह रहे इतना गंदा क्रोध होने पर भी भगवान आत्मा ऊपर ऊपर तैरता है। आगे समझ आया? बता कोई काम किया तुमने क्रोध में अंधे हो गए? तोड़ा फोड़ा, बहुत बड़ी सही बोला, और बोला कपड़े हाथ में तो कपड़ा फाड़ देता है। पुराने जमाने में वो सुनते थे क्रिकेट की कहानी थी, इस पर ट्रांजिस्टर कह रहा था, ट्रांजिस्टर उसको सुनते थे और इंडिया हार गया, ऐसे गुस्सा आई दीवार में दे मार ट्रांजिस्टर। टेलीविजन में मैच देखने लगे जब टेलीविजन में, तो पाकिस्तान भारत से हार गया वर्ल्ड कप में, तो उसे गोली मार दी मैंने अपने टेलीविजन को गोली मार दी, तो किसका नुकसान हुआ? भारतीयों का नहीं, उसमें वो जो जिसने हराया था, जो कैप्टन रहा होगा जिसने हराया था, उसे गोली मारी, उसे क्या मारी? अपनी टीवी में मारी, बाद में पछता रहे यार अपने 15,000 का टीवी का सत्यानाश हो। जब भारत हार गया, कोई हार गया था ना कोई, तो अपने अपने घर के ऊपर से टीवी फेंक दी गुस्से ने, टीवी फेंक दी तो टीवी फेंक देने से क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ टीवी फेंक देने से? ऊपर तैरता है। अब यहां से देखो, अब कितने खतरनाक परिणाम, कितने खतरनाक, हो तो अभी सम्यक दर्शन हो जाता है। नरक में नारकी को कितना क्रोध होता है तो अभी सम्यक दर्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? उल्टा उत्तर, ऊपर तैरता है जिस शक्ति से रहित क्रोध आदि। आया समय में आया? दृष्टांत देखो, दृष्टांत, 1 किलो घी ठंड के दिनों में 1 किलो घी और बाल्टी में पटक दिया, मतलब पानी में पटक दिया, तो अब तो खराब हो गया घी, बताओ घी खराब हो गया क्यों? क्या
वो एक किलो घी पानी में डाला, पानी टंकी में डाल दिया, तो वो पानी की टंकी में ऊपर ऊपर तैरता है, अंदर नहीं जाता। यदि भगवान आत्मा कभी पानी को छूता नहीं, जैसे पानी नहीं छूता घी, ऐसे भगवान आत्मा क्रोध को छूता ही नहीं है। अर्थात आप सीधे बोलो, अर्थात मैं क्रोधी कभी हुआ ही नहीं। क्रोध के काल में क्रोधी नहीं हुआ प्रवर्तमान, क्रोध बीतने के बाद, क्रोध मिटने के बाद, क्रोध का क्षय हो जाने के बाद शुद्ध है, ये नहीं कह रहे। प्रवर्तमान, प्रवर्तमान में क्या आ गया? वर्तमान। प्र में क्या आ गया? अनटच। अनटच भगवान है। अब जी ध्यान का विषय है, बैठ आराम से थोड़ा प्रैक्टिकल करें। तुम में प्रवचन समझ में आ गया? अब तुम अपने घर जाओ और दादा दादी है, मम्मी है, भैया कोई गुस्सा करे, भयंकर गुस्सा करे बहुत जोर से, तो तुम्हें हंसी आएगी, हंसते रहोगे शांति से, तुम गुस्सा नहीं होगे। ये तो गुस्सा करेगा, तुम गुस्सा नहीं होगे। फिर ये क्यों, पहले मैं गाली देता था या चांटा मारता था तू गुस्सा होता था, आज गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है? प्रवर्तमान। भैया तेरे क्रोध के ऊपर तेरा भगवान प्रवर्तमान। समझ आया? भगवान क्रोध को छूता ही नहीं है। अब हमें वो दिखने लगा, पहले क्या दिख रहा था? भगवान तो दिखता नहीं था, क्रोध ही क्रोध दिखता था, बहुत गंदा, बहुत क्रोध, बहुत 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 बेकार। अब क्या दिखने लगा? अब क्रोध नहीं दिखाई दे रहा, क्रोध के ऊपर। समझ गया दृष्टांत? घी की तरह, घी का दृष्टांत सुन लिया ना, घी पानी को छूता नहीं है। क्या दूध में डालने घी तो भी ऊपर तैरेगा? क्या गलती से तुम्हारा घी मतलब वो जमा हुआ घी और नहाने धोने की बाल्टी में गिर जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? फेंक दोगे? क्यों? क्योंकि उसका पानी उसमें प्रवेश नहीं करता, इसका घी उसमें प्रवेश नहीं करता। ठीक है, धो लेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय क्या करेंगे? क्या करोगे? सही बताओ, क्या करोगे बताओ? बोलो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे जैसे घी गिर जाए तो क्या करोगे? मैं ऊपर धो देंगे। क्यों? उसमें अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं है, और नहीं तो फिर तो सारे घी फेंकना पड़ेगा, फिर तुम एक दिन भी घी नहीं खा पाओगे। क्यों क्यों नहीं खा पाओगे? दृष्टांत दे रहे समझाने के लिए। आटे पर मक्खी आके बैठ गई, एक तो वो पैर धो के नहीं आई और आटे पर बैठ गई, अब क्या करोगे बोलो? क्या करते हो? फेंको सब अब थोड़ी देर पहले वो मक्खी जाने किस पे बैठी थी? डेड बॉडी पे बैठी थी मक्खी, कुत्ते पे बैठी थी मक्खी, लैट्रिन पे बैठी थी, और वही उड़ते उड़ते आई आटे पे बैठी। अब क्या करोगे जी बता? अब तो नोर खोल के कह दिया, क्या करोगे? पंडित यहां से आटा फेंकेंगे तो फिर एक दिन भी रोटी नहीं खा पाएंगे, मक्खी तो बैठ ही जाती है। तो ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं? वो आटे के ऊपर ऐसे कर देते और ज्यादा ही समझदार हुआ कोई तो इतना सा निकाल के उत्ता उत्ता। अब कुत्ता छू जाए तो तब पूरे ही आटा फेंकते नहीं। पंडित क्या फर्क पड़ा कुत्ता नुआ चिंटी मक्खी में? क्या फर्क पड़ा भाई? मक्खी रोज बैठती, कुत्ता तो जिंदगी एक आध बार बैठता है। अब कुत्ते का रेयर कैसे चली, एक किलो आटा फेंक देंगे, लेकिन मक्खी के चक्कर में तो फिर देखा है चिड़िया आई और इतना चोंच मार ली उसमें, तो हम उतना सा आटा फेंक देते। रोटी बनी रखी, रोटी बनी उसमें मक्खी आके बैठ गई, ये तुम्हारी मिठाइयां रखी, रसगुल्ले ही रखा है, अब मक्खी आगे बैठ तो ऐसे पहुंच देते, बस ऐसे पहुंच देते खा जाते। अब क्यों क्यों खा लेते हैं? अशक्य अनुष्ठान है, अशक्य, इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान, नहीं तो खा ही नहीं पाओगे तुम। आ
दृष्टांत वो ऊपर तैरता है। इसको अब हम थोड़ा और समझाते हैं, ध्यान दृष्टांत बदल करके और समझाते हैं। ध्यान रखना कौन की बात चल रही है, ध्रुव परिणामिक भाव जिसको जीव कहा जा रहा है, या शुद्ध भाव अधिकार में इसको जीव कहा जा रहा है। बताओ एक करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? क्यों गटर में पड़ा है? अब याद हो गया ना, ऊपर ऊपर तैरता है तो इतनी गहरी है वो गटर, उसमें गिर गया, अब तो नहीं उठाओगे ना? कैसे उठाओगे? ऊपर पड़ा होता तो ऐसे उठा लेते, अब उसमें नीचे उतरना पड़ेगा, इतने इतने उतर जाओगे क्यों? तो कैसे उठा? छोड़ो, बोलो छोड़ दे, एक रुपये ये छोड़ दे, क्या करें बोलो। अरे भैया अब ध्यान से ना, एक करोड़ के हीरे में हमें गटर की गंदगी नहीं दिखती, दो ही मिनट की तो बात है, हाथ डाल दें उतर जाएंगे, और जैसे हीरा हाथ में आएगा सम्यक दर्शन का आनंद, हाथ लगते से ही मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, और बदबू आ रही कि नहीं आ रही? और यहां तक लग गई वो, कुछ नहीं लग रहा, नहा लेंगे उसमें, क्या है नहा लेंगे। अब हम पूछे गटर में पड़ा हुआ हीरा रखोगे कि फेंक दोगे? क्यों रख लोगे? अब सुनना, क्योंकि वो गंदगी हीरे में बाहर बाहर लौटती है, अंदर नहीं घुसती। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरेन मैटर कांट एंटर, वो बाहर 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 का जो था ना, वो घुसा ऐसी भगवान आत्मा में क्रोध नहीं घुसा, क्रोध रूपी गटर के बीच में भगवान आत्मा सुरक्षित है। जो लोग गटर की गंदगी देखेंगे वो हीरा छोड़ देंगे, वो जो हीरा के स्वरूप को जानते हैं, क्या स्वरूप को जानते हैं, ऊपर ही तरंता ऊपर ही चरंतम ऊपर ऊपर तैरता है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति हीरा को छोड़ेगा नहीं, पक्का। बताओ एक करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और 10 रुपए का रसगुल्ला गिर जाए, रसगुल्ला ऊपर ही ऊपर तैर रहा है क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? हीरा नीचे चला गया, रसगुल्ला ऊपर ही तैर रहा है, बोलो। अरे हम रसगुल्ला ही पूछ रहे क्यों ऊपर है वो, देखो अब क्यों क्यों क्योंकि 10 रुपए के रसगुल्ले में नीचे से चाशनी बनती है गटर की गंदगी उसमें प्रवेश कर जाती है, हीरे में प्रवेश नहीं करती। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा में कभी भी मोहराग देश प्रवेश करते नहीं, मोहराग देश में आत्मा रहता है लेकिन आत्मा में मोहराग देश नहीं रहता, इसलिए आत्मा से हम रुचि करते हैं, आत्मा में इंटरेस्ट है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा में अहम है, आत्मा का बड़प्पन है, आत्मा की महिमा, इतने सारे शब्द बोल दी सब पर्यायवाची, इसका नाम है सम्यक दर्शन। ऊपर ऊपर तैरता है लड़कापना, आत्मा में प्रवेश नहीं कर गया, इसमें ना गति इंद्रियां ये आत्मा में प्रवेश नहीं कर गई, इसलिए हमें उस आत्मा की महिमा आती है। बोलो हीरा किस कंडीशन में नहीं उठाओ गटर में से, ऐसी कंडीशन बताओ जब नहीं उठाओ, हर कंडीशन उठा ले, तुम्हारे सारे दोस्त हंसी उड़ाएंगे तब तो नहीं उठा। अरे हंसी उड़ा रहे ओ ऐसे कह रहे हैं सुअर है, देखो जी सुअर गटर में घुस रहा है, मुझे तो पता नहीं हीरा बहुत गंदे बहुत गंदे, आई डोंट लाइक यू, तुम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, तुम हमारे गंदे दोस्त, चलो चलो भाग चलो इसको छोड़ दो, तो नहीं उठा रहे, तुम उठा लो भी सारी जगत निंदा करे तो अभी हम हीरा नहीं छोड़ते। ये दृष्टांत ऐसे ही
अब आगे लगाओ, सारे मित्र तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, खाएगी जे नहीं हो, आलू तक नहीं खा रहे, रात को तक नहीं खा रहे, अरे मजे करो मजे, क्लब में चलो, क्लब में थोड़ा पियो नाचो, डीजे पे नाचो, इतनी तेज आवाज नाचो कूदो, मैंने सब लगा लेना, ये तो मजाक उड़ाएंगे। बोलो क्या करोगे? कि हम तो अपना भगवान नहीं छोड़ेंगे, हम तो अपना जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आनंद का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे। और इतनी बड़ी लड़ाई है, कॉलेज स्कूलों के बच्चे जे खाओ वो पियो, घूमो मजा करो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, लड़की पटाओ, पता करो, चिट्ठी लिखो, बातें करो, सेल्फी खींचो, चैटिंग करो, इसके बिना कोई जिंदगी है? ये ऐसा लगता है। लेकिन भैया वो गटर है और हीरा पड़ा हुआ है, हीरा निकालना इस गटर में से, समझ में आ रहा कुछ? इसलिए जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता हरी समझ में। अब बोलो दोस्त तो मजाक उड़ाएंगे, तुम जे नहीं हो, ए आलू नहीं खा रहे, प्याज नहीं खा रहे, धर्म वर्म में कुछ नहीं रखा, पोंगा पंच गए हुए, क्या कहलाते पुराने जमाने की चीजें हैं, आज तो अय्याशी करो, क्या बोलते हैं, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, क्या है कुछ कर लो मुट्ठी में बंद, जिंदगी क्या है, दुनिया बहुत खतरनाक है बाहर। सुनो कोई हंसी उड़ा, लेकिन जिसको भगवान की खबर है वो तो ये मार्ग छोड़ता नहीं। आगे चलो, चेष्ट शक्ति से रहित माने क्रोध अधिक हैं, वे चेष्ट शक्ति से रहित हैं, अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर, अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर, मूल से आगे समझ में आया कुछ? दृष्टान दे, कोई तुम्हें एक करोड़ रुपया दे और गाली दे, तो गाली को छोड़ोगे कि रुपया छोड़ोगे? गाली छोड़ दो, मतलब नहीं रखा, ये है मुंह से छोड़कर, इतनी सी गुस्सा नहीं आ रही, ये है मुंह से छोड़कर, इतनी सी अभी विकल्प नहीं हो रहा, ये है मुंह से छोड़कर, ऐसे ही कसायों का है तो कसाय, लेकिन मुंह से ही छोड़ दिया, मगर कोई टेंशन नहीं हो रही, कोई टेंशन नहीं हो रही, ये संबंध नहीं रहा। क्या तुम बहुत गुस्सा करते हो? अब ऊपर से तो बोले कहते हाँ करते हैं, लेकिन अंदर लग रहा कुछ नहीं करते। मैं वह हूं जिसने क्रोध को छुआ ही नहीं, ऐसे कैसे? फिर ऐसे तो स्वच्छंद हो जाएंगे, गुस्सा करते जाओ और बोलते जाओ, क्या कि भगवान आत्मा ने क्रोध को छुआ ही नहीं है? मुंह से छोड़कर, हमने पहले ही कहा दृष्टांत, मम्मी पापा गुस्सा करते हैं लेकिन क्षमा। अब तुम्हें अब बोलो क्या करना है, मुंह से मम्मी पापा को छोड़ना है, मुंह से क्रोध आदि को भूलना है? भूलना कह दिया, छोड़ना मतलब भूलना है, क्या करोगे बोलो? हाँ, अरे छोटे से बच्चे का दृष्टांत है, छोटे से बच्चे का, छोटा मतलब 1-1.5 साल का, कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती है, मारती है, रोता है, छोटा सा गोद का बच्चा, तो मम्मी का आंचल ऐसे ऐसे करता है, मम्मी को ऐसे करता है, मम्मी को ही मार देता है, छोटा है वो तो मम्मी जब उसकी बहुत पिटाई करी है, कुछ करा, तो गुस्सा होता है, बहुत दुखी होता है, रोता है जोर जोर से, पूरी ताकत से मम्मी का विरोध करता है। यहां तक दृष्टांत समझे? अब इतने में हम पहुंच गए, कोई रिश्तेदार पहुंच गए, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत खराब है, कितनी गंदी है, तुम्हारी मम्मी मारती है, आ जाओ हमारे पास भोपाल, चलो हमारे साथ, हम तुमको टॉफी खिलाएंगे। अब आगे वो तो क्या होता है, बच्चा अनजान व्यक्ति की गोद में जाता है या मम्मी की ही गोद में जाता है? उस बच्चे ने मम्मी के उस समय के क्रोध को मुंह से छोड़ दिया,
क्या कह रहे, मूल से छोड़ दिया। नहीं मम्मी की गोद में उस व्यक्ति पास नहीं गया, ये दृष्टा। अब हम तुमसे पूछे, क्रोध और आत्मा में से तुम किसे छोड़ोगे? अभी तुम क्रोध के चक्कर में आत्मा छोड़ देते थे, हमें समझ व्यसन नहीं होगा। बहुत क्रोध आता है, बहुत मान होता है, बहुत लोभ होता है, बहुत कसाय होती है, बहुत बेर होता है, बहुत परिग्रह, इंद्रियां बहुत खतरनाक है। क्यों? ना आंख होती ना मोबाइल देखती, ना आंख होती ना टीवी देखती, क्या बताएं पंडित जी, आंखें बर्बाद कर रही, आंखें बर्बाद कर रही कि तू भगवान को नहीं देख रहे, बर्बाद हो रहे हो। मूल से छोड़ के समझ गए, माने क्रोध की चिंता नहीं करेंगे, मुंह से छोड़ने समझ गए। चलो आगे। जिस शक्ति से रहित अन्य सकल भावों को मूल से छोड़कर और जिस शक्ति मात्र, जिस शक्ति मात्र, जिस शक्ति चेतन शक्ति मात्र, मात्र माने उतना ही है, आत्मा कैसा है, चेतन शक्ति मात्र है, ऐसे निज आत्मा, ऐसे आत्मा को नहीं लिखा, ऐसे आत्मा को नहीं लिखा, क्या लिखा है, ऐसे निज आत्मा को अति 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 अत्यंत स्पष्ट जानता है। हीरा कैसे दिख रहा है तुम्हें, अत्यंत स्पष्ट, पूरी ताकत से उठा ले, कैसे नहीं उठाए कि नहीं उठाए, क्या पता पंचम काल का हीरा है, गंदा हो गया होगा, ऐसा ना हो बेकार निकल जाए, अपन मेहनत करो, हाथ डालो, हीरा निकला नहीं निकला कहा मालूम, गंदा हो गया। अति स्पष्ट रूप से क्या मालूम है आपको, हीरे का कुछ भी बिगड़ता नहीं। अरे एक महीने से हीरा गटर में पड़ा तो नहीं उठाओगे क्या जी, एक साल पड़ा रहता तो अभी कुछ, ऐसे अनाधिकार से भगवान आत्मा क्रोध में है, शरीर में है, इंद्रियों में है, गतियों में है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए मूल से छोड़कर उस अति स्पष्ट भगवान का अनुभव कर लिया। इस समय दर्शन ऐसा लगता है, सम्यक दर्शन, अब सोचो रात का प्रश्न था तुम्हारा जी है, सम्यक दर्शन बोलो कट नहीं सारा लोग, मूल से छोड़कर, किसको छोड़ा मूल से, अभी तुम क्या करते हो क्रोध के चक्कर में भगवान आत्मा मूल से छोड़ देते हो, कैसे छोड़ देते हो, हम उनका कल्याण कर सकते, पाप ही है, धर्म तक नहीं पड़े हम, बहुत निर्लज्ज हैं, बहुत क्या बताएं, बहुत गंदे गंदे भाव है हमारे, पंडित जी हमें समझ दर्शन नहीं होगा, तो इसके चक्कर में तुमने क्या कर दिया, क्रोध के चक्कर में भगवान आत्मा को मूल से छोड़ दिया। आत्मा कैसा है, चित शक्ति मात्र है, घी में घी मात्र है, घी में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे भगवान आत्मा में क्रोध ने प्रवेश नहीं किया। कितना सुंदर, अति स्पष्ट स्फुट रूप से अवगाहन करके आत्मा, कौन सा आत्मा लिया, ठीक है पंडित जी आपका आत्मा अच्छा होगा, आप तो ब्रह्मचारी हो तो आपका आत्मा पवित्र होगा, और मुनिराजों का और भी पवित्र होगा, और केवली भगवान का और पवित्र होगा, ये नहीं कह रहे, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा आत्मा नहीं, तुम ही अति स्पष्ट रूप से अवगाहन करें, आत्मा समस्त विश्व के ऊपर प्रवर्तमान, ऐसे इस केवल अविनाशी आत्मा को आत्मा में, आत्मा को आत्मा में साक्षात अनुभव करो, अनुभव करो माने जानो, साक्षात अनुभव करो मतलब जानो, अनुभव करो माने और कुछ नहीं, अनुभव करने ना यहां से बैठ जाओ, यहां से नहीं, साक्षात अनुभव करो, अविनाशी आत्मा, अविनाशी समझ गए, आत्मा कब से मारा, कब तक, कब मारेगा, ये अविनाशी हो गया, कौन है ये अविनाशी, हाँ अविनाशी, इसको जान करके अनुभव करो, अनुभव करो, अब अनुभव करो का वजन समझो, बताओ हीरा का क्या बिगड़ता है, जी अविनाशी पने का अनुभव कर, हीरे को अग्नि डाल दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अविनाशी अनुभव कर, गालियां दें तो क्या हो जाएगा, अविनाशी अनुभव करो, अब तुम अपने में लगा, सब तुम्हें गालियां दें तो बताओ, जिस तुम्हारे हाथ में हीरा है और 10 लोग कह रहे हैं गुस्सा में, ये कांच बन जाए, ये भगवान कांच बन जाए, इनका हीरा कांच बन जाए, इनका हीरा कांच बन जाए, तो तुम हंसोगे रोओगे, बोलो
पंडित जी आप 10 लोग कहेंगे तो कोई बात नहीं, 100 लोग कहेंगे तो गुस्सा आ जाएगी। अरे सारा जगत कहेगी कांच हो जाए, कांच हो जाए, कांच हो जाए। तुम्हें तो पता है ना हीरा कभी कांच बनता नहीं। नहीं तो एक काम करना, तुम प्रयोग करके देख लेना, सोना को रख लेना, पीतल बन जाए, पीतल बन जाए, पीतल बन जाए। सब लोग जोर से बोलो पीतल बन जाए, पीतल बन जाए, बोले क्या होगा बोलो, दो दृष्टांत हो गए। शक्कर का एक दाना रख लेना यहां और तुम 1 करोड़ बार माला पहनना, नमक 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 खा कर देखना क्या होगा। इसका क्या मतलब निकला, अविनाशी है, ऐसा अनुभव करो। अब कोई तुम्हें गालियां दे तो मुस्कुराना, क्योंकि अनुभव कर रहे हो। क्या अनुभव कर रहे हो, आत्मा का, कैसा आत्मा का अनुभव कर रहे हो। मेरा कुछ बिगड़ा ही मैंने क्रोध आदि को सुनाई नहीं है, क्रोध ने मुझे आगे समझ में आया छुआ। अनुभव करो मत समझे। अब गाओ, कोई बुरा कहो या अच्छा हमारा अनुभव तो ये चल रहा है, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम रसगुल्ला खाओ और यहां पर 100 किलो सोना रखा है, क्या फर्क पड़ रहा तुम्हें रसगुल्ला में। अब बिल्कुल सोना नहीं रखा, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा। ऐसे भगवान आत्मा अनुभव करो, शरीर है तो अभी मैं पूर्ण भिन्न हूं और शरीर नहीं है तो अभी भिन्न हूं, गरीब है तो अभी भिन्न हूं, अमीर है तो अभी भिन्न हूं, करोड़ों रुपए का ढेर रखा हो तो अभी आत्मा का स्वाद तो आत्मा का ही है। दस्तान में रसगुल्ला का नहीं बता, करोड़ रुपया रखा हुआ है तो रसगुल्ला कैसा लगता है, और करोड़ रुपए नहीं रखे तो रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा। जैसे रसगुल्ले का स्वाद भिन्न अनुभव आता है वैसे आत्मा भिन्न अनुभव में आता है। क्या कह रहे, अनुभव करो। आए समझ में, एक नीचे वाला और पढ़ देते, चेतन शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व है। चेतन शक्ति चल गई ना इसलिए सर्वस्व, 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 मिठास शक्कर का सर्वस्व है। क्या बोला, मिठास शक्कर का सर्वस्व है, सर्व समझते हो, इसके अलावा कुछ नहीं मिठास के अलावा। जैसे चेतन चेतन चेतन, सुरक्षित भगवान, सुरक्षित भगवान, सुरक्षित भगवान, उसके साथ कुछ नहीं है। तुम्हें दुखी होते हो, गटर में गिर गया, अरे गिर गया, मोह राग द्वेष नहीं होगा तब हमें आत्मा अनुभव में आएगा कि ना, मोह अनुभव के बल पर मिटेगा। आगे अनुभव के बल पर मिटेगा। दृष्टांत समझो, दूध में घी पहले निर्णय करते हैं तो घी निकालते हैं, ये घी है ही नहीं ऐसा मानकर घी निकालते हैं। दूध में से घी कैसे निकालते हैं, दूध में घी नहीं होता लेकिन अपन मंत्र पढ़ेंगे तो निकलेगा। बोलो, दूध में घी नहीं है, नहीं ना, बोलो है कि नहीं। दूध में घी नहीं है, अपन भक्तावर पढ़ेंगे तो निकलेगा। बोलो, दूध में घी नहीं है ऐसा नक्की करते हो। अरे दूध में घी का अनुभव करते हैं तो घी निकलता है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने पर क्रोध आदि दूर होते हैं, भगवान पना प्रकट होता है। अनुभव कर, जिस शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा यह जीव इतना ही क्या लिख रहे, इतना ही मात्र है। मोह राग द्वेष नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, 44 मारना नहीं है, इतना ही है, बस इतना ही। पंडित कुछ और हुआ था तुम टेंशन नहीं करो, इतना ही अनुभव करो, बस इतना ही है मात्र है। इस चीज शक्ति से शून्य जो भाव है वे सब पौद्गलिक है, ये सब क्रोध पौद्गलिक है। क्रोध पुद्गल में होता है कि जीव में, हाँ जीव में होती है, तो पुद्गल के क्यों कहा, चित शक्ति से शून्य है। मेरे में क्रोध होने पर भी मेरा नहीं है, क्यों, चित शक्ति से शून्य है। दृष्टांत दे, दृष्टांत, मुसलमान कौन है, जैन की अजैन, अजैन, और हिंदू, तो हिंदू और मुसलमान ऐसे ही है, मत होंगे हमें क्या करना, हमें क्या करना। और सिंधी जैन है क्या, जैन, तो हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई सिंधी, इनका कुछ फर्क नहीं है, फर्क है लेकिन हमारे लिए सब अजय ऐसे ऐसे ये सब मेरे भाव नहीं है, पुद्गल के हैं। पुद्गल और इनमें अंतर तो है, पुद्गल और क्रोध में अंतर तो है, लेकिन हमारे लिए पुद्गल ही है। क्यों? जैसे पुद्गल में सुख नहीं है ऐसे क्रोध में भी सुख नहीं है। क्या कहा? जैसे पुद्गल में सुख नहीं है ऐसे ही क्रोध में सुख नहीं, इसलिए वे सब पौधगले का है। शरीर तो प्रत्यक्ष ही पौधगल का है, वे तो प्रत्यक्ष ही, लेकिन वे भी पुद्गल की है। आया समझ में आया? वे सब पौधगलिक हैं, जिस शक्ति से शून्य जो ये भाव हैं, वे सब पौधगलिक हैं। पौधगलिक समझ गए? दृष्टांत दे रहे, शक्कर जहर है कि शक्कर है, बराबर। लेकिन डायबिटिक आदमी को, डायबिटिक आदमी कहता है भैया चाहे लड्डू हो चाहे क्या कहेगा डायबिटिक आदमी, चाहे लड्डू हो चाहे पत्थर हो, हमें तो समान है, न हम पत्थर खाते हैं और न लड्डू खाते हैं, क्यों? हमारे लिए समान को ध्यान रखना। ऐसे ही चित शक्ति उन्हें ज्ञात दृष्टा रहना मात्र, इतना ही मैं हूं, इसके अलावा मेरे में अनंत गुण है, पर्याय है, मोहराग भी है, हमारे किसी हम नहीं है, मैं तो इतना सही हूं, इतना ही दृष्टांत दे, बस अंतिम दृष्टांत है। आज लेट हुए अपन, जल्दी छोड़ रहे, लेकिन ठीक है। लड्डू कैसे होते हैं? मीठे। और आम कैसा होता है? मीठा। और रसगुल्ला मीठे या अकेला होता? कुछ नहीं होता, और बोलो है? अब ध्यान रखना, मिठास ही उसका सर्वस्व है। जैसे हम रसगुल्ला दें तुमने, रसगुल्ले में सब चीज है, गुलाब जामुन समझ लो, गुलाब जामुन मैदा है, मावा है, घी में तला हुआ भी है, इलायची भी है, किशमिश भी है, केसर भी है, सब कुछ है उसमें, बस एक शक्कर नहीं है। नहीं, एक ही चीज नहीं है, बाकी तो सब है। बोलो एक चीज नहीं, बाकी सब है। पंडित जी बाकी सब नहीं होता तो चलता, किसमें से नहीं होती तो चल जाती, इलायची नहीं होती तो चल जाती, मैदा नहीं होती तो भी चल जाता, ये सब मैदा के मावा थोड़ा कम ज्यादा हो तो चल जाता, लेकिन हाँ, अब समझ में। लड्डू में बहुत सारी चीजें, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में बहुत सारी चीजें हैं, ये बात सही है, लेकिन मिठास उसका सर्वस्व है। ऐसे आत्मा में अनंत गुण है लेकिन चेतना उसका सर्वस्व है। क्रोध भी है, हमें मालूम है क्रोध भी है, लेकिन क्रोध सर्वस्व नहीं है। मान भी है लेकिन मान सर्वस्व, इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियां सर्वस्व नहीं है। ओ, जो ज्ञाता दृष्टापन है ना, चेतना जानना 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 जानना, फीलिंग, सुख दुख की फीलिंग, ये फीलिंग है ना, ये सर्वस्व है। आया समझ आएगी नहीं? दृष्टांत दे दें, जाना है? छोड़ दो, बोलो। हाँ बोलो, छोड़ दे, मैंने तो 5 मिनट आना, मेरे को थोड़ा लेट शुरू हुआ, इसलिए हम ये सोचते हैं रह रहे थे 1 घंटा तो प्योर देते कम से कम, लेकिन नहीं सही, छोड़ देते। एक दृष्टांत दे, बहुत सुंदर दृष्टांत। क्या क्या दृष्टांत दे रहे थे? सर्वस्व। तुम्हें एक काम करो, तुम्हें रसगुल्ला खाना है लेकिन आनंद नहीं करना है, मैंने जानो देखो नहीं, तुम तो खा ले चुपचाप, तुम्हें मजा क्या आया रसगुल्ले का? रसगुल्ले का मजा तो जब आता है जब उसे चेक करके, ओह बड़ा टेस्ट है। एक काम करो, पिक्चर देखो लेकिन ऐसे देखो माना एक्सप्रेशन, हाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो फिर क्रिकेट देखने का मजा ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब पिक्चर का मजा नहीं था, क्रिकेट का मजा नहीं था, तेरी चेतना का मजा था। समझ नहीं आया कुछ?
जी शक्ति सर्वस्व है, मन तुम्हारे ज्ञान दर्शन ना हो और तुम्हें हवाई जहाज में घुमाए तुम्हें क्या मजा है, जिस तुम बेहोश कर दे और हवाई जहाज घुमा लिया तुम्हें क्या मजा आया, पूरा शरीर घुमाया, हड्डी पसली घुमाई, बाल भी घूमे आए, नाक आंख सब घूम आए, लेकिन तुम्हें क्या मजा आया पंडित साहब, काय का होता है चेत शक्ति ही सर्वस्व है। बोलो कपड़े पहने फटे पहन ली तो कोई मतलब नहीं, अच्छे पहन ली तो कोई मतलब नहीं, तुम्हें मजा ही क्या आया, मजा तो तब आया जब कपड़ा पहनने में भी चेत शक्ति ही सर्वस्व है। बोलो तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, दृष्टांत है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी, लेकिन वो भोजन है ना ऐसे परसे बिल्कुल रोबोट की तरह तुमने कहा पानी, मैं तुमने जो मांगा पूरा घर का काम कर रही है, टेस्ट एकदम बढ़िया, रसोई का कपड़े वपड़े बढ़िया धुले हैं, 100% काम पत्नी ने अच्छा किया, उसने कहा ये बाकी तुम कोई शिकायत नहीं कर सकते, सब चीज अच्छी है, लेकिन एक चीज शक्ति शून्य चीज शक्ति शून्य रोबोट की तरह मेरे कपड़े कहां है कैसा लगे बोला, मैं कुछ कह रहा हूं इस विश्व में जिस शक्ति ही सर्वस्व है उसके अनुभव के नाम सम्यक दर्शन है। बोला तुमने कहा पापा मैं पिक्चर जा रहा, तो पापा ने 10 करोड़ दिया तो तुमको फर्क नहीं पड़ा, 100 का दिया तो ही फर्क नहीं पड़ा, 1,000 दिया तो ही फर्क नहीं पड़ा, 1,00,000 दिए तो ही फर्क नहीं पड़ा, ऐसा तो होता है तो फिर काय कहा नजर है जिस शक्ति का, 10 रुपए दिए तो ठीक है पापा, 100 दिए थैंक यू पापा, 1,00,000 दिए तो ओ पापा मैं जैसे जैसे पैसे बढ़ रहे तुम्हारी चीज शक्ति का आनंद बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं अब उसको समझे मैंने इतनी दृष्टांत दे के क्या कहा, आज हम जिंदगी में अनादि काल से चीज शक्ति का ही आनंद भोग रहे थे, और तुम सोए लड्डू का आनंद भोग रहे, टीवी का आनंद भोग रहे, दोस्तों का आनंद भोग रहे, पिक्चर का आनंद भोग रहे, नहीं नहीं यदि चीज शक्ति का आनंद नहीं है तो कुछ नहीं, अब पढ़ो इसको पढ़ो, चीज शक्ति सर्वस्व है सार है। अब बताओ चीज शक्ति बिना कहीं कहा, जैसे ये तुम प्रवचन सुनो और चीज शक्ति बिना सुनो, जैसे मान नहीं हूं मैं प्रवचन ऐसे सुनाऊ भगवान बन, भगवान आत्मा गायक है, 3 लोग का नाथ है, रिएक्शन नहीं दिखाई दी कैसे लगे, ये भैया पंडित जी आंख बंद करके प्रवचन कर रहे, बोला तो अच्छे पता नहीं लेकिन मजा नहीं आ रहा, क्या वो जो चीज शक्ति का रिएक्शन आता ना उसका मजा है, तो प्रवचन में आनंद काय का, चीज शक्ति भोजन में काय का आनंद, 3 लोग में सारे जीव चीज शक्ति का ही आनंद ले रहे हैं। सुनो अभी तक तुम मान रहे थे कि वस्तुओं का आनंद है मिथ्या, और चीज शक्ति का आनंद मान लिया ये सम्यक दर्शन में हो गए सम्यक दर्शन, बहुत जोरदार जोरदार है, बहुत ओम नमः शिवाय।